नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमने संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन को पढ़ चुके। इसके बाद आप अपना पाठ्य पुस्तक जो है सरल संस्कृतम खोलिए। सरल संस्कृतम में सबसे पहला पाठ के रूप में आपके पास यहाँ पर व्यवसायः पाठ दिया गया है, परंतु हम लोग ने संस्कृत वर्णमाला को प्रथम पाठक के हिसाब से पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए ये व्यवसायः पाठ जो है वो द्वितीय पाठ हो जाएगा। तो व्यवसायः शब्द का अर्थ है बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर करते हुए सभी आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि कोई लकड़ी का काम करता है, कोई मिट्टी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई सोने का काम करता है, कोई छात्रों को पढ़ाने का काम भी करता है। ये सारे जगह बिजनेस कहा जाता है, इसको इंग्लिश में और संस्कृत में व्यवसाय। यहाँ पर देखिए व्यवसायः, ये व्यवसाय शब्द जो है वो बहुवचन है, अर्थात बहुत सारे व्यवसाय के बारे में यहाँ पर कहा गया। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर 10 व्यवसाय के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए ये पाठ का नाम है व्यवसाय। अभी आइए ये चित्र की ओर चलते हैं। ये सबसे पहले चित्र में देखिए कौन है आपके हिसाब से, एक टीचर है ना। तो टीचर जो शिक्षक हैं उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अध्यापक, अध्यापक। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक इंसान है जो कुछ सामान उठाकर लेकर आ रहा है, वो कहाँ से लेकर आ रहा है, खेत में से। तो खेत में जो काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृत में हम उन्हें कहते हैं कृषक। यहाँ पर तृतीय चित्र की ओर चलिए। तृतीय चित्र में यहाँ पर एक आदमी जो है वो कुछ पीट रहा है, कूट रहा है और आग में उसको गर्म भी कर रहा है। ये सारे काम देखकर हमको ऐसा लगता है कि ये लोहार ही होएगा। तो लोहार को हम संस्कृत में कहते हैं लोहकार, लोहकार। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर एक आदमी जो है वो लकड़ी को काट रहा है, तो लकड़ी को जो काटता है या लकड़ी काटने वाला उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बढ़ाई, और संस्कृत में हम उसको कहते हैं तक्षक, तक्षक। यहाँ पर चित्र में आइए, यहाँ पर एक आदमी जो है कुछ पेंट कर रही है, चित्र बना रहा है, तो पेंट कर रहा है या चित्र बना रहा है, चित्र करने वाला को हम कहते हैं संस्कृत में चित्रकार। यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक आदमी बैठकर कुछ अलंकार अर्थात ऑर्नामेंट्स बनाने का प्रक्रिया कुछ कर रहा है, तो जो सोने का काम करता है, तो सोने से जो गहना बनाता है तो उसे कहते हैं स्वर्णकार, स्वर्णकार। यहाँ पर आइए, एक गार्डन का सीन है, गार्डन में एक आदमी जो है वो एक पौधा लगा रहा है, तो बगीचे में काम करने वाला जो होता है उसे हम माली कहते हैं, और माली को हम संस्कृत में कहते हैं मालाकार, मालाकार। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ बर्तन बन रहा है और वो भी मिट्टी से, तो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं संस्कृत में, कुंभकार, कुंभकार। हिंदी में कुम्हार और संस्कृत में कुंभकार। यहाँ पर देखिए एक आदमी जो है वो गाय से दूध निकाल रहा है, तो वो कौन होएगा, हिंदी में उसको हम कहते हैं गवाला, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मिल्कमैन, और संस्कृत में हम इसको कहते हैं गवाला, गवाला। और यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े धोने का जैसा सीन दिख रहा है हमें, कपड़े धो रहा है ये आदमी जो है, नदी में कपड़े धो रहा है, तो यहाँ पर ये कपड़े धोने वाला जो है इसे हिंदी में हम कहते हैं धोबी, और संस्कृत में हम कहते हैं रजक, रजक। तो आइए हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर बोर्ड पे देखिए मैंने यहाँ पर लिखी हूँ अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक का हिंदी शब्द है
शिक्षक, शिक्षिका नहीं होएगा क्योंकि यहां पर पुल्लिंग है, तो इसलिए उसका हिंदी शब्द होएगा शिक्षक। इंग्लिश में क्या होएगा? टीचर। उसके बाद यहां पर कृषक, याद करो मैंने चित्र के द्वारा आपको बताई थी कृषक खेत में काम कर रहा था, तो उसे हम हिंदी में कहेंगे किसान और इंग्लिश में फार्मर। थर्ड वन के ऊपर ध्यान डालिए, लोहकार। वो क्या कर रहा था? लोहे को गर्म कर रहा था, पीट रहा था, कूट रहा था, तो उसे हम हिंदी में कहेंगे लोहार। उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्लैकस्मिथ। फोर्थ में देखिए तक्षक, लकड़ी को काट रहा था वो, याद करो हिंदी में क्या कहेंगे? बढ़ाई। और इंग्लिश में कारपेंटर। फिफ्थ में देखिए चित्रकार, वो चित्र बना रहा है पिक्चर में, चित्र बनाने वाला, उसे हिंदी में हम कहेंगे चित्र, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं, जो चित्र बनाने वाला, इंग्लिश में आर्टिस्ट। सिक्स्थ वन स्वर्णकार, वो अलंकार बना रहा था, ऑर्नामेंट्स, तो उससे हम हिंदी में कहेंगे सुनार और इंग्लिश में गोल्डस्मिथ। एट वन कुंभकार, मालाकार, मालाकार हो जो बगीचे में काम कर रहा था, तो मालाकार शब्द का हिंदी अर्थ है माली और इंग्लिश में गार्डनर। कुंभकार हो, कुंभकार हो वो बर्तन बना रहा था, वो भी किससे? मिट्टी के बर्तन, तो उसे क्या कहेंगे हम हिंदी में? कुंभकार का हिंदी शब्द है कुम्हार और इंग्लिश में पटर। नाइन्थ वन दूध निकाल रहा था, गवाल हो, उसे हिंदी में हम कहेंगे गवाला और इंग्लिश में मिल्कमैन। आपके घर में आते होंगे ना मिल्कमैन, तो उसे हम संस्कृत में कहेंगे गवालह। टेंथ वन इज रजक, कपड़े धो रहा था, जब कपड़े धोने वाला को हम हिंदी में कहते हैं धोबी और इंग्लिश में वॉशरमैन, संस्कृत में रजक। तो इस प्रकार आप ये 10 व्यवसाय के नाम को संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों को साथ में पढ़िए और लिखने का अभ्यास भी कीजिए। आज के लिए इतना रखती हूँ, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।